नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ रॉबर्ट रोसारियो सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने समय निकाला, और आज इनसे समझने का प्रयास करेंगे जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए। खुद एक क्रिश्चियन है बट हमेशा मिशनरीज के निशाने पर है, क्योंकि ये सच बोलते हैं और इनका देश और सनातन के प्रति एक समर्पण है जो कि आम लोगों से कहीं ज्यादा है, जितना मैं इनके बारे में जानता हूँ। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार नमस्कार तो सर, नमस्कार। पहले पहले इफ्तारी पार्टी, अब क्रिसमस भोज, किस तरह से देख रहे हैं आरएसएस का ये क्या चीज क्रिसमस? भोज? क्रिसमस भोज तो बहुत अच्छा है। नहीं, एक तरह से तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पीछे से, पर्दे के पीछे से कुछ कुछ करने से ये अच्छा है ना कि सामने आ जाए, खुल के सामने आ जाए तो अच्छा है कि लोगों को भी दिखता है कि हाँ क्या हो रहा है। नहीं तो गपचुप पीछे से मिल जाएंगे, आगे कुछ बोलना पीछे कुछ बोलना, इससे तो ये अच्छा है ना, सामने सामने सामने, हमारे तो सामने अब कुछ बोलना, इसको आपके सामने। लोगों को किस तरह से देखना चाहिए सर? नहीं, लोगों को देखना मतलब क्या हासिल होगा? अगर आपका सवाल ये है कि क्या हासिल होगा इससे, या जी लोग क्या समझें कि क्या हासिल हो सकता है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि भेड़िया और बकरियों का समागम हो गया, एक बैठक बुलाई और एक तय हो गया कि कल से हम बकरे का जो चारा था ना, घास चरने की जगह हम भेड़ियों को छोड़ देंगे। तो भेड़ियों को मनाना चाहिए कि वो कल से घास खा लें, हमारे ऊपर हल्ला ना करें, खून मत चूस लें, हमारा मांस मत खाएं। तो एक पल के लिए बेड़िया शर्म के मारे मान भी सकती है कि दूसरे दिन से, क्या दूसरे दिन से हो जाएगा ये, बेड़िया घास खा के कुछ हो जाएंगी? अगर होंगी तो ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल चलेगा जो संघ ने किया है ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल चलेगा। अगर बेड़िया बकरे का खून चूसना छोड़ देंगी, तो अगर वो नहीं छोड़ देंगी तो ये भी नहीं चलेगा। बस आप इतना समझ लें, फिर तो आप खुद जानकार हैं। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं यहाँ पे। ये 2016 में एक घटना हुई थी, 2016 में मंगलोर में जो घटना हुई, ये संघ के कई नेताओं को लगा कि हमने अभी तो बस ये ईसाई पादरियों के साथ कुछ कुछ तालमेल बिठाना चाहिए, कुछ 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 गुडी गुडी खेलना चाहिए। तो इन्होंने एक आइडिया निकाला 2016, जैसे कि ये गणपति का त्योहार आता है ना, अगस्त सितंबर में आता है, तो जैसे आपका गणपति का त्योहार आता है, हमारा सितंबर 8, एग्जैक्टली सितंबर 8 को आता है हर साल आपका। ये तो थोड़ा आगे पीछे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपका, हमारा तो ईसाई कैलेंडर, तो सितंबर 8 को फिक्स है। हमारा मदर मेरी, जो जीसस क्राइस्ट की माँ थी ना, मदर मेरी, उनका बर्थडे आता है सितंबर 8 को। और हमें यहाँ मैंगलोर में हमारे जितने भी ईसाई हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा बड़ा त्योहार है सितंबर 8 का। बड़ा त्योहार मतलब जैसे आप गणपति को कैसे करते हैं सन्मान, उसी तरह के, वही गन्ना, वही फूल माला, वही श्रृंगार, वही पूजा, 9 दिन की पूजा के बाद ये त्योहार होता है। एक तरह से यही मान लिए कि हमारा गणेश फेस्टिवल होता है। तो इन लोगों ने एक आइडिया निकाला कि इस बार, इस साल हिंदू नेता ये मदर मेरी के इस पे सितंबर 8 को उसकी जो मूर्ति रखते हैं उसके ऊपर फूल माला चढ़ाएंगे, तो बदले में हमारे पादरी और नन जाके गणपति के दिन, जो मंगलोर का संघ का ये है ना केंद्र है, संघ निकेतन, वहां पे जो गणपति मूर्ति रखे वहां जाके वो फूल माला चढ़ाएंगे, तो भाईचारा हो गया ना ये। तो ये कार्यक्रम रख लिया, एक दो पादरी और एक कई सारी नन का एक टीम, और उनकी तरफ से एक बड़े कद के आरएसएस के नेता। तो ठीक है, पहले आके हमारे इनमें चढ़ा दिया, मदर मेरी के मूर्ति पे उन्होंने फूल माला चढ़ा दिया, बहुत अच्छा हुआ। फिर जैसे ही गणेश के त्योहार आए, हमारे पादरी और नन वहां पे गए और फूल माला चढ़ाया, वो फोटो जैसे ही समुदाय में आ गए, दूसरे दिन ने तो पूरा हल्ला मच गया। अरे ये कैसे हो सकता है, समुदाय में हल्ला मच गया, ये कैसे होते हैं, हमारे पादरी हमारे नन यार गणपति हिंदू देवता को फूल माला चढ़ाए, ये तो सरासर ये है, क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी है।
हमारे भगवान के खिलाफ। हम तो एक ही भगवान को पूजने वाले हैं, और ये गणपति तो फॉल्स गॉड है, तो ये कैसे हो सकता है। इतना इतना हल्ला मच गया कि बिशप ने तुरंत ये पादरी जो भी गए थे, दो पादरी और नानों को बुला के सबको रेप्रिमांड, सबको फटकार लगाई, सबको आइंदा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इतना बोल के कड़ी चेतावनी देके समाप्त हो गया है इधर। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, मैंने आपको उदाहरण समेत बताया बताया कि एक ये भाईचारा कैसे होता है, ठीक है ना। तो अब तो बड़े बड़े पादरी लोग आ रहे हैं, स्वतः मेरे को लगता है कि बिशप भी आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ नन और पादरी के ऊपर फटकार, वो तो नहीं होगा क्योंकि वो खुद बिग बॉस शामिल है इसमें। तो कुछ अलग तरह की रणनीति हो सकती है, तो हमारे लोग जैसे पूछेंगे तो ये बता सकते हैं कि वो लोग क्रिसमस में, हम तो नहीं गए ना वहां पे, तो ठीक है, अच्छा है। अगर उन्होंने अगर नवरात्रि में कुछ बुला के हमारे को फूल माला चढ़ाने को बोला तो तकलीफ थी, वो क्रिसमस में आए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आ जाए। ये रिवर्स नहीं हो सकता, एक तरफ का वन वे ट्रैफिक है। तो इनका जो ये भोज कर रहे हैं मेघालय भवन में किया जा रहा है। मेघालय में आपको पता है कि किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है, यहाँ तक कि उनको जॉब भी नहीं मिलती। दूसरी बात है कि उनको अगर किसी की डेथ होती है तो उसके क्रिमेशन के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। इस तरह का उन्होंने वहां पे माहौल खड़ा कर दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य जला नहीं सकते, वो दफन तो कर सकते हैं ना, है ना, दफन जी कर सकते, जलाना नहीं, क्योंकि वो हमारे इसके खिलाफ है, तो ऐसा ही रूल है। तो यहाँ पर बुलाया गया इंद्रेश कुमार को, कि जो और यूपी मध्य प्रदेश के पादरी बुलाए गए हैं। केरल को ध्यान में रखा गया है, 18% वहां पे क्रिश्चियन आबादी है। इसके अलावा कश्मीर को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि 1,25,000 में 26,000 क्रिश्चियन है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के बहुत से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बीजेपी की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि ये 2024 को ध्यान में रखते हुए सब कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पढ़ा कि सिर्फ एक दो तीन स्टेट का नहीं, पूरा जम्मू से लेकर केरल तक सारे सारे बड़े बड़े इनको ईसाई नेता नेता मतलब पादरी बिशप को बुलाया है, ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा। तो मतलब जी सारे जी स्टेट थ्रूआउट इंडिया बड़ा कि त्योहार किया। पर आपका दूसरा सवाल है कि क्या बीजेपी को फायदा होगा, ये तो इट्स मिलियन डॉलर क्वेश्चन। ये तो सही सही सवाल तो ये है, ये ऐसा है कि देखिए, आपके लिए चुनाव होता है साल 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार 1 महीने के लिए प्रचार होता है, तो तब प्रचार का समय है। लेकिन हमारे लिए पूरे साल के जितने भी इतवार है, 22 संडे आते हैं एक साल में, तो हर संडे एक ना एक तरफ से तो एक तरह का चुनाव प्रचार ही है वो, कि कैसे लोगों का मन सेट करना, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, कौन प्रो क्रिश्चियन है, कौन एंटी क्रिश्चियन है, तो पूरे 5 साल चलता है। अगर आखिरी मौके पर 5 साल के अंत में 1 महीना अगर नहीं बोला तो भी ठीक है, बस एक सूचना दे दे कि सोच के वोट करो, तो बस लोगों को समझ में आता है कि क्या सोचना है और किसको वोट करना है। तो जैसे ही ये पूरे साल भर में कैंपेन चलता है, तो ये क्रिसमस मनाने से कि इनका ये दिल बदल जाएगा। अगर बदला भी, इन्होंने लोगों के दिमाग में जो डाला है, जो डर इन्होंने डाला है, क्या वो खत्म हो जाएगा? लोगों के दिमाग में ये डालते हैं ना, हर संडे तो ये डर डालते हैं कि जैसे देखिए ये तो आरएसएस बीजेपी इज एंटी क्रिश्चियन, जैसे ही वो अधिकार में सत्ता में आएंगे तो हमारे तो बस देश छोड़ के भागना पड़ेगा, हम यहाँ रह नहीं सकते। तो ये बोलने वाले एक त्योहार मना के, एक क्या केक काट के, एक खाना खा के तो बदल जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है, आपको सोचना चाहिए इसके ऊपर, मैं क्या बताऊं इसके आगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं के लिए है। जैसे कि अभी इफ्तारी पार्टी करा रहे थे इंद्रेश कुमार, अब भोज हो रहा है इधर, और दूसरी तरफ हिंदुओं को बोलते हैं कि आप 50 साल तक देवी देवताओं को भूल जाएं। तो ये किस तरह का मास्टर स्ट्रोक है ये? मास्टर स्ट्रोक तो आपको सोचना है, आपको हिंदू समाज के लोगों को सोचना है कि मैं क्या बोलूं, कि देव देवताओं को बोलना है, इनको बोलना है, आप तय करिए, तो मैं क्या बोलूं इसमें। तो मैं तो अपने अपने समुदाय की तरफ से, ईसाई समुदाय की तरफ से बिल्कुल बोल सकता हूं कि आप चाहे लाख कोशिश कर लें, ईसाई
समुदाय बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, और देने वाला है। आपने ऐसे बड़ी बड़ी काम करने की जरूरत है, मेरे जैसे लोग वैसे भी दे देंगे वोट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत लोग है ना जो राष्ट्रवाद में या अपने सिविलाइजेशन में श्रद्धा रखते हैं, वो तो वैसे ही वोट देंगे बीजेपी को। अरे ये काम करने से आपको एक वोट भी ज्यादा ईसाई नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए। सर आप बड़ी बात कह रहे हैं कि एक वोट भी नहीं आएगा और इतनी बड़ी धूमधाम से तैयारी, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, जगह जगह से बुलाए जा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि एक वोट भी नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल उनकी सोच से अपोजिट है। ये बोलेंगे यार ये आ रही है, वो 10 लोगों ने 10 ईसाई ने वोट दिया, वो पहले भी दे देते, वो जो देंगे इस बार वो पहले भी दे देते, क्योंकि उनको उनको चाहिए कि हमारा भाईचारा। और इनके ये करने से एक वोट भी ज्यादा नहीं आने वाला बोला मैं। जो ईसाई क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद में भरोसा रखते तो वो पहले भी दे देते वोट, अब उनके संख्या उनकी वोट देने लोगों का नंबर बढ़ने वाला, खुद ये जितने आए ना भोज में वो नहीं वोट डालेंगे, बस बाकी जोड़िए आप जो भोज में आए ना वो भी वोट कमल के ऊपर नहीं डालेंगे। इसे जरा मैं क्या कहूं, आपका तो मिशनरीज के साथ एक कड़वा अनुभव रहा है, बट ये लोग चुनाव से पहले बोलते हैं कि हमें घर वापसी कराना है, तो इन्होंने एक क्रिश्चियन राष्ट्रीय क्रिश्चियन मंच भी बना रखा है आरएसएस ने, तो अब क्या लगता है कि जो भी ये घर वापसी की बात बोलते हैं उसके ऊपर ब्रेक लगेगी अब, क्योंकि अब तो बोल ही रहे हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू है। हाँ वो घर वापसी करते या नहीं करते ये तो स्पष्ट नहीं है ना, ये स्पष्ट करते पहले तो, कल एक बोल दिया आज एक बोल दिया तो किस बात पे मान ले हम, उस पे माने या इस पे माने। तो ये लोग जो मतलब आप कभी भी देखते हैं जैसे जो कि जहां भी ईसाई मिशनरीज हैं, और अभी मैंने आपको एक वो ट्वीट शेयर किया था राजीव चंद्रशेखर का, जो कि आर्क बिशप आर मार एंड्रयू करके है कोई बिशप है, जो बिशप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, और इससे पहले वो पोप पोप से मिलने गए थे, तो पोप से मिलने के बाद आप इस तरह के बदलाव देख रहे हैं क्या? कश्मीर में जो वाल्मीकि क्रिश्चियन बन गए थे उनको भी रिजर्वेशन का लाभ दिया गया, तो क्या ऐसा लग रहा है कि पोप से मिलने के बाद जो कुछ डिस्कशन हुआ हो उनके बीच में शायद उसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी हो? पोप से मिलने के बाद या पहले से मानसिकता ऐसी थी, पोप से मिलने के बाद कुछ हृदय परिवर्तन हुआ आप ऐसे मानते हैं या कि कुछ तो पहले से कुछ अलग थे क्या, पहले अलग थे और कुछ अलग है अभी? नहीं, मैं पहले भी इनको अलग नहीं मानता, लेकिन अब लगता है कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, मेरा पॉइंट ये है। नहीं तो पहले से भी एक तरफ का हिचकिचाहट इनके ऊपर था, चर्च को सीधे सीधे आड़े हाथों लेने में हमेशा बचती रही है भाजपा, पहले से देखा है मैंने, ये कोई नई बात नहीं है। जो जितना भी अत्याचार कर ले चर्च वाले, ये तो बस जहां इनकी सरकार है वहां भी ये कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो क्या आप ये मानते हैं कि हिंदू एकता के नाम पर सिर्फ माहौल बनाकर वोट लेना ही इनका मात्र मकसद है? ऐसे हिंदू एकता कैसी होगी, क्रिसमस मनाने से हिंदू एकता थोड़ी होगी, क्रिसमस नहीं, मनाने मैं से तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी आरएसएस जो चुनाव के समय हिंदुत्व की बात करते हैं, बाकी समय आप देखिए कहीं इफ्तारी हो रहा है, कहीं डीएनए मैच कराए जा रहे हैं, तो मेरा मतलब ये है कि दूसरी तरफ जो दूसरी कम्युनिटी है उसको क्या सिर्फ चुनाव के दौरान उस बातें करके वोट लेने मात्र का इनका ही है? वही करते आ रहे हैं वो आज तक, तो वही करते आ रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। तो शायद एक संदेश ऐसे जाना चाहते कि जो नरेटिव है जी पूरे अभी हिंदू, ये मोदी यानी एंटी क्रिश्चियन, आरएसएस यानी एंटी क्रिश्चियन, ये माहौल है ना, ये माहौल ठीक करने की शायद इनकी कोशिश ये होगी, शायद ऐसा ऐसा उनका इनका कुछ हिसाब लगाया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि होगा नहीं। आप लाख कोशिश कर लें आप अपना इमेज बदल नहीं सकते, आप एंटी एंटी क्रिश्चियन तो एंटी क्रिश्चियन ही रहेंगे, अभी आप कभी प्रो क्रिश्चियन नहीं बन सकते नैरेटिव में, बिल्कुल ही नहीं। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, जब ये हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, तब उन्होंने एक जहां हमारे एक एक पादरी और कुछ नन विदेश में कहां पे एक इनके आतंकवादियों के
जाल में फंसे थे, तो बंदी बनाए गए थे। तो मोदी सरकार ने तो शुरुआत में उनके पहले टर्म की शुरुआत में मोदी सरकार ने उनको वापस लाया, पूरा पूरा ताकत लगा के उनको वापस लाया पादरी और ननों को। और सुषमा जी ने ट्वीट किया था कि देखिए हमने वापस लाया, तो मैंने उनको एक उत्तर दिया, मतलब सरकास्टिक उत्तर था, ठीक है मैडम आपने जो भी किया है फिर भी आप तो रैबिड कम्युनल ही रहेंगे, आप कभी सेकुलर नहीं होएंगे, आपने इतना बड़ा काम किया ठीक है, लेकिन आपका दर्जा तो रैबिड क्या बोलते हैं कम्युनल एंटी क्रिश्चियन ही रहेगा। ये मेरा उनका ट्वीट का उत्तर था। तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया क्रिश्चियंस का ये दूसरी कम्युनिटी के साथ भी होता है, जैसे कि मुस्लिम्स के साथ भी होता है, ईसाई के सॉरी सिख के साथ भी होता है, लेकिन एक विशाल जूत नामक लड़का पकड़ा गया था ऑस्ट्रेलिया में, बाद में उसको लोगों ने अपने स्तर पर छुड़वाया, लेकिन भारत सरकार उसको लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रही थी, और दूसरी तरफ कोई मामला हो तो भारत सरकार आनन फानन में इतना ज्यादा सक्रिय हो जाती है। जैसे तो ये लगता है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी इनके वोटर के अलावा सबके लिए है जो इनको गाली देते हैं। यही तो समझ में ना आने वाली बात है, मुझे तो समझ में नहीं आया, पता नहीं आपको समझ में आया नहीं आया। ऐसे होगा कि आप लोग तो वोट वोट तो वैसे ही देते हैं, तो इनको इनको मनाओ ना, जो जिससे हमें सर्टिफिकेट चाहिए, जो हमें दिन रात गाली देते हैं, तो उनसे हमें सर्टिफिकेट लेना है कि ना हम अच्छे हैं, हम गलत नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट लेने के चक्कर है। वोट तो आप लोग ऐसे भी देते हैं ना, आपके आपके पास चारा ही क्या है दूसरा? तो मतलब इन लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि इनके खिलाफ जो भी करेंगे, जितना इनके ऊपर लठ बजाए जो भी करें, लेकिन ये वोट तो हमें हमें ही करेंगे। हाँ देखिए, दिखाते हैं सामने वाले को, देखिए कौन आएगा, अगर हम हट गए तो कौन आएगा अधिकार में, देखिए तो कांग्रेस आएगा, आपको मालूम है कांग्रेस कितना एंटी हिंदू है, तो क्या चारा है, आपके पास चारा नहीं है। तो मतलब इनका बस इनका जो पॉलिटिक्स है वो फियर मॉन्गरिंग का है कि लोगों को इतना डराओ दूसरी पार्टियों को देखकर दिखाकर, जबकि उससे ज्यादा खतरनाक काम करो सत्ता में आकर। वो तो आंकड़े तो ऐसे ऐसे बताते हैं कि जो जो भी इनका जिनका काम रहा है, जो सच्चर कमेटी का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उससे तो वैसे ही लगता है। तो सर ये बताइए कि उनके लिए तो इन्होंने बहुत सारे काम कर दिए, लगभग उनको जो बोलते हैं ना तृप्त करना, उनको पूरी तरह से इन्होंने तृप्त कर दिया। अब बात है क्रिश्चियंस की, तो आपको पता है कि केरल में ये लोग स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं, उनको क्रिसमस के दिन गिफ्ट देंगे, सबसे मिलेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे, यही चीज तमिलनाडु में हो रहा है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच अब इस चीज को लेकर कोई उत्सुकता है क्या कि बीजेपी हम लोगों के लिए भी कुछ ऐसा तृप्तिकरण की योजना लाने वाली है या कुछ कर रही है या करने वाली है? ईसाई समुदाय में हमें जो सिखाया जाता है, संडे आफ्टर संडे, इतवार इतवार के बाद इतवार, क्या हमारे दिमाग में जाता है, वही अपने लिए बस, इसके सिवा ये आप मीडिया में देख लो, मोदी और बिशप ने क्या आलिंगन किया, एक दूसरे को गले लगाया, तो इसके ऊपर मत जाओ, जो सिखाया जाता है ना संडे सरमन में, तो वो अहम बात है। वो क्या बोलेंगे आके वापस आके, ये बोलेंगे कि ना हमने तो राजी कर ली, कल से हम दुश्मन नहीं, हम दोस्त, बोलेंगे संडे, बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो। तो ये जो ईसाई मसीह मिशनरीज हैं, अभी हाल के बयान है FCRA को लेकर अमित शाह का कि किसी को धर्मांतरण की छूट नहीं दी जाएगी, और इस तरह से जो लोग डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, सोशल डिसहार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, अब कांग्रेस की सरकार नहीं मोदी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ आप लोग इस तरह का भोज के आयोजन कर रहे हैं, तो आपको उनको भरोसे में लेने के लिए तो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग तो चलेंगे नहीं। जैसा कि मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में जानता हूँ या मजहब के इस्लाम के बारे में जानता हूँ, ये लोग कभी दूसरे के किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि फंडामेंटली वैसे है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि अपना मूलभूत क्या बोलते हैं ढांचे, ढांचे का क्या बोलते हैं उसको, बेस अडिपाई क्या बोलते हैं इसको, जो ढांचा है उसका बेसिस क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं बेसिस को, उसका मतलब फाउंडेशन, फाउंडेशन जी जो होता है ना,
जिसकी कोई बुनियाद एक बोल सकते हैं, हिंदी में आप बुनियाद बोल सकते हैं। बुनियाद बुनियाद शब्द है। अरे ईसाइयत का बुनियाद क्या है? ईसाइयत का बुनियाद यही है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं, हमारा भगवान ही असली है, बाकी सब नकली है। अगर ये बुनियाद है, इसके ऊपर आप कुछ भी बांध लो, बुनियाद तो वही है। आप जाके एक दिन एक पल के लिए जाके किसी किसी से गले मिलो या कुछ भी करो, लेकिन बुनियाद तो ये है कि हमारा सच्चा है, हमारा वर्ड ऑफ गॉड है, हमारा बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, बाकी सब वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, बाकी सब मानव का वर्ड है, हमारा भगवान का वर्ड है, वर्ड ऑफ गॉड है। तो ये असली भगवान और नकली भगवान की लड़ाई है, तो उसी बुनियाद पे सब कुछ चलता है। तो कितना बदलाव आएगा, आपको तो बुनियाद ही बदलना पड़ेगा ना। बुनियाद बुनियाद बदलना पड़ेगा मतलब पूरा खत्म, रिलीजन ही खत्म, वो तो हो नहीं पाएगा। तो कितना बदलाव ला पाएंगे उसी बुनियाद पर, आप कितना इधर उधर करेंगे कम, फिर भी बुनियाद तो ही रहेगी ना। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इनको तृप्त करके या इनको खुश करके, जो सरकार पता नहीं उसकी इंटेंशन क्या है, लेकिन उनको भारत या भारतीयता से जोड़ा जा सकता है क्या? किनको? ईसाइयों को? अच्छा, ईसाइयों को या फिर जो भी इब्रामिक रिलीजन्स है उनकी बात करें। जोड़ना मुश्किल है क्योंकि हमारा तो वन गॉड प्रिंसिपल है ना, हम तो बाउंड्री के ये बाहर से, ये अपना अपना ये मातृभूमि इसका नहीं है, अपना मातृभूमि है तो भी वो इजराइल है, वो तो होली लैंड है अपने, जितने भी ईसाई हैं भारत में उनके लिए होली लैंड कौन सा है? होली लैंड है तो इजराइल, जो इसराइल के टूर में जाते हैं, जाते वक्त ही वो टूर का पैकेज ऐसा है कि विजिट टू द होली लैंड। होली लैंड कौन सा है? आज के इसराइल है वो, जहां भी जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेतलहम, वहां जाके आना होली लैंड। अगर अपने को होली लैंड वहां है तो ये भूमि पर हमें श्रद्धा कैसे आएगी? तो सर सवाल ये है कि श्रद्धा तो नहीं आएगी, लेकिन ये जो तमाम राष्ट्रवाद की आड़ में ये प्रयोग चल रहा है कि हम सबको राष्ट्रवादी बना रहे हैं, और सबका डीएनए वाली एक बात जो है जो बार बार उछाली जा रही है, जो कि पहले इधर उधर घुमाया जाता था, कई जगह आप सुनते थे, जो इनके छोटे नेता है उनके ऊपर, आगे मैं आता हूँ, ये लोग घर वापसी की बात दोहराते रहे, ये लोग ये मानते रहे कि ये विदेशी रिलीजन है, लेकिन अब यही लोग 40,000 साल का डीएनए तलाश रहे हैं। तो अब जब ये डीएनए तलाश रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो पूर्व में जो इन्होंने बयानबाजी किए हैं या जो बातें कही, जो भी किया, क्या उसके लिए ये लोग जाकर क्रिश्चियन कम्युनिटीज अभी तो भोज कर रहे हैं, क्या भविष्य में लोग माफी भी मांगेंगे क्या, अगर उनका भरोसा जीतना है तो? ऐसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो आग तो बहुत उगले हैं। किनका माफी लेना पड़ेगा? जैसे कि आरएसएस, आरएसएस ये उसके संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, जो कि घर वापसी का दावा करते रहे हैं, तो हमेशा पहले ये बोलते रहे कि हमारे हमें मिशनरी से खतरा है, और वो लोग अभी उनके लिए भोज का आयोजन कर रहे हैं। और अभी पुरानी न्यूज है, सिक्किम में बीजेपी ने इनके लिए आईटी सेल बनाया उनके मदद के लिए। एक के पॉल का नाम आपने सुना होगा, के पॉल को जानते भी होंगे, के पॉल जी, केरल के पॉल बीजेपी से के मतलब बड़े नेताओं से मिलते हैं। जी, गठबंधन का गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ। तो ये लोग जो अतीत में करते रहे हैं, क्या अब वर्तमान में उनको तृप्त करने के लिए, उनको भरोसे में लेने के लिए, क्या ये लोग कुछ इसके अलावा भी प्रयोग कर सकते हैं क्या? ये जैसे तो बहुत मतलब है, इससे ज्यादा अभी देखिए ये गठबंधन से लाभ किसको होगा? आप अगर राजनीतिक लाभ की बात करें तो ये पॉल से गठबंधन करने से पॉल को बहुत लाभ होगा, लेकिन बीजेपी को लाभ नहीं होगा, ये तो बिल्कुल साफ बात है। उसको बहुत बहुत फायदा होगा इसकी, क्योंकि अरे रूलिंग पार्टी तो उनके पास मतलब वो खुली छूट मिल गई उसके लिए, लेकिन इनको क्या लाभ होगा? क्या एक वोट भी मिलेगा? मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। तो बीजेपी के आरएसएस की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम इंद्रेश कुमार की बात ना करें, तो ये फिर जो भी माइनॉरिटी मोर्चा है या फिर जो अलग अलग प्रयोग है वो अधूरा रह जाता है। तो इंद्रेश कुमार की भूमिका हर जगह होती है, जैसे कि एमआरएम भी संचालित कर रहे हैं, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मंच भी चला रहे हैं,
ये लोग भोज भी कर रहे हैं, लेकिन इनके आप भी सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, इनके जो आईटी सेल के, मैं कर्मचारी बोलता हूँ उनको, कर्मचारी ही है वो, जब सैलरी पर काम कर रहे हैं तो कर्मचारी ही है। वो तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे और इनके बड़े नेता क्रिसमस मनाएंगे। तो ये दो तरह के अलग अलग विंग क्यों काम कर रहे हैं और इसके पीछे इनका इंटेंशन क्या है? अभी इंटेंशन आपने पूछा तो इंटेंशन तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हिंदू समाज हिंदू समुदाय को या हिंदू समाज समुदाय के नेताओं को कई सालों से ये गाली सुनने को मिलती है कि आप तो क्या इनटॉलरेंट हो, आप इनटॉलरेंट हो, आप कम्युनल हो, आप सुबह सुबह उठते इन लोगों को यही सुनने को आता है कि इनटॉलरेंट, तो इनका क्या हो गया, इन सबकॉन्शियस में गया, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना आप, क्या सुप्त मनस में ये बैठ गया कि ये बहुत गहरा गया कि हाँ सचमुच में हो सकते हैं कि हम इनटॉलरेंट हैं, सचमुच में हो सकते हैं कि हम कुछ गड़बड़ है हमें, नहीं तो ये हम दिन रात क्यों गाली देंगे। आप ये नहीं करते कि आईना देखो, कम से कम आईना देख के देखो कि हम है कि इनटॉलरेंट, ये करने की भी आप कि इनके जब सबकॉन्शियस माइंड में ये गया कि रोज गाली देते तो हम ही कुछ गलत है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, तो यही एक्सपेरिमेंट ऐसे ना, तो हमें ये गाली बहुत हो गया अभी सुन के, अभी तो इस गालियों से बाहर आना है कि हमें दिखाना है कि हम तो एकोमोडेटिव है, सबको क्या बोलते हैं साथ साथ लेके चलने वाले लोग हैं, हम एकोमोडेट करते हैं सबको, तो बस इसीलिए तो क्रिसमस मनाओ, सबको साथ बुलाओ, भोज करो, एक साथ दिखाने की एक कोशिश है। लेकिन मूलभूत सवाल ये है कि आप कम्युनल हो क्या? अगर आप कम्युनल हो तो आपको ये सब करने की जरूरत है, अगर आप कम्युनल नहीं हो तो ये करने की जरूरत क्या है, आपको खुद आईने में देखना चाहिए आप क्या है, आप सही है कि गलत है, अगर आप सही थे तो सही थे, आपको ये जो हवा हवा में आपको गालियां आती है उनको मन में लेना, हृदय में लेना, सबकॉन्शियस माइंड में लेने की जरूरत नहीं थी, ये लेके गड़बड़ हो गई है। जब बात आपने इंटॉलरेंस की कही है तो इससे जुड़ा ही मेरा एक सवाल है कि इंटॉलरेंस की जहां भी बात होती है और देश में नफरत बढ़ गया, क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रेशर टैक्टिक है उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए कि अगर इस तरह से हम बिल्कुल बोलेंगे तो वो लोग आत्मग्लानि में आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दबाव का ही एक स्ट्रेटेजी है, रणनीति, और वो काम कर चुकी है, इट हैज वर्क, सिर्फ रणनीति नहीं है वो इतना काम कर गई, इतना काम कर गई कि पूरा नेतृत्व, हिंदू नेतृत्व नतमस्तक हो गया इसके नैरेटिव के सामने, आपने इतना चलाया इनटॉलरेंट, इनके इनके दिमाग में तो अभी अरे इससे बाहर आना यार, नहीं तो बहुत बुरा होगा, हमें मरने से पहले इससे बाहर आना पड़ेगा, तो ये इनके दिमाग में इतना बैठे, तो ये तो बहुत बड़ी सफलता है चर्च की, ये फेक नैरेटिव इतना चला ना। जी, वो याद वही है हमें, वही मैं बोल जब रहा कि ये एक चर्च पे पत्थर लग गया था, कोई बच्चा खेल रहा था या कोई गेंद लग गया था, शीशा टूट गया था, उसके बाद उसको लेकर कितना ज्यादा कोहराम मचा था। वो ये घटना नहीं, हर घटना पूरे भारत में जितनी भी है द सो कॉल्ड चर्च अटैक की घटना हुई है, अगर आप ठीक से जांच करोगे तो हर घटना के पीछे आपको यही मिलेगा, हर घटना के पीछे मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट लेकर केरल तक जितना भी चर्च अटैक नैरेटिव सारे फेक नैरेटिव है, इनके पीछे ऐसा ही कुछ, किसी ने बच्चे ने पत्थर मारा होगा या कहीं जब गाड़ियां जाती है तो पत्थर उड़ के आता है तो शीशे पे लगा होगा, या किसी एक जगह ऐसा हुआ था कि पेंटर से काम कराया इन्होंने, पेंटर को बराबर तनख्वाह नहीं दी, उसने शाम को दारू पी के रात में आके पत्थर मारा और शीशा टूट गया गुस्से में, मेरे को काम करा के पगार नहीं दिया, तो वैसे भी होता है, उसने तो कुंदर निकाली, मुझे तो काम कराया नहीं, तो रात को पत्थर मारा। और एक घटना आपको बताता हूं मैं, यहाँ पे हमें मंगलोर के हमारा बाजू का जिला है उड़पी, उड़पी जिले में एक सिरवा नाम की जगह है, सिरवा सिरवा चर्च भी बहुत ही क्रिश्चियन पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ। एक बार क्या हो गया वहां पे, एक दिन सुबह सुबह एक मूर्ति है ना, हमारे यहाँ चर्च में जहाँ की मेन जगह पे जीसस की मूर्ति लगाई जाती है, तो बाकी जगहों में साइड में सारे जितने में भी सेंट्स है ना, सेंटों की मूर्तियां लगाई जाती है, वो पुराने चर्च में आपको देखने को मिलेगा, अभी नई चर्च में वो नहीं है स्टाइल, पुराने चर्च में बहुत सारे सेंट आपको बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखने, तो
तो वहां का क्या हो गया, एक मूर्ति तो कंप्लीटली, एक दिन सुबह खबर आई कि एक मूर्ति कंप्लीट टूट गई है, पूरा मतलब तोड़ी, टूट फूट के तोड़ दी गई है, और एक मूर्ति का स्थान पलट हो गया, तो दो मूर्ति ऐसे हो गया। तो सुबह सुबह होते ही तो हल्ला मच गया पूरा, अरे यार ये तो कोमुआदियों ने हल्ला कर दिया, चर्च के ऊपर अटैक किया, हमारे सेंट की मूर्ति तोड़ दी भगवान के ऊपर। तो कांग्रेस नेता सब आ गए, हमारे बड़े बड़े नेता हैं आ गए, और बस मोर्चा खोला, बोले कि 48 आवर्स टाइम, अल्टीमेटम दिया पुलिस को कि 48 घंटे के अंदर अरेस्ट करो, नहीं तो हम पूरा हड़ताल करेंगे। तो पुलिस ने 24 घंटे में एक आदमी को पकड़ा जिन्होंने किया, और वो निकला ईसाई, ना कोई हिंदू नहीं निकला, वो ईसाई। तो उन्होंने क्यों ये मूर्ति तोड़ा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो उसकी कहानी ये है कि वो ईसाई आदमी है, वो थोड़ा सा पिक्कड़ आदमी था, पीने वाला, तो अकेला था, कहीं बस स्टैंड में सोता था पीकर। तो वो उसकी उसने उसने कहानी बता दी थी कि मैं रोज जाके इन सेंट के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करता था, बहुत बहुत टाइम से प्रार्थना करता था कि मुझे अरे ये दे दो वो दे दो, लेकिन मूर्ति ने सुना ही नहीं। बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करने के बाद मूर्ति ने, तो मैंने एक आइडिया किया, शायद मैं अगर ये मूर्ति उस जगह और वो मूर्ति इस जगह अगर इंटरचेंज कर दूं तो शायद मेरा काम हो सकता है। शायद आपकी आवाज रुक गई। तो मतलब इस तरह से इन लोगों पर क्या होता है कि प्रेशर जनरेट किया जाता है, और ये सारी जो इंटॉलरेंस वाली ये सारी बातें जो होती है निकल कर, यार इनको क्या है कि दबाव में बनाकर रखना है। और बीजेपी और आरएसएस की रणनीति रही, या फिर इनके काम काज को देखें आप, जो कि मैं लगातार बोलता रहा हूं कि अगर आप 8 साल का इनका काम उठाकर देखेंगे तो ये काम सिर्फ उन्हीं के लिए किए जो इनको गाली देते हैं और इनके ऊपर दबाव बनाते हैं। बाकी झोला उठाने वाले पिटते हैं, मंदिरें टूटती है देश में, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। अगर वो बहुसंख्यक समाज से जुड़ी हुई है तो उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। वही दूसरी तरफ का मामला हो जहां पर वो अननेसेसरीली, ये एक स्ट्रेटजी है उनकी कि हमें इनके ऊपर दबाव बनाकर रखना है, हम जब तक दबाव बनाकर रखेंगे तब तक ये हमारे लिए काम करते रहे। उसका परिणाम है कि ये लोग इस तरह की रणनीति पर काम करते हैं कि इनके ऊपर हमेशा दबाव बनाए रखना। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, आप चाहें तो आज नोट कर सकते हैं, अभी भविष्य में इस तरह के और प्रयोग किए जाएंगे, इधर से भी होंगे और उधर से भी होंगे, क्योंकि इनकी जो कमजोर नस है उसको उन्होंने पकड़ लिया है। और इनका कमजोर नस है इनके ऊपर दबाव बनाकर रखना। और आज देखिए इनकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उन्हीं तक सीमित रह गई जो लोग ना कल वोट देते थे, ना आज दे रहे हैं, ना भविष्य में कभी देने वाले। और जो इनका स्थायी वोटर था उसको इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। और इनके साथ एक बीमारी कह सकते हैं कि बीमारी लग गई है कि ये लोग हमेशा उसको लेकर जवाबदेही अपना तय करेंगे जिसके लिए कुछ भी कर ले। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी कभी इनको वोट नहीं करेगा, इक्का दुक्का अगर मिलता होगा तो वह हर कम्युनिटी हर पार्टी के साथ होती है, लेकिन एज अ कम्युनिटी की बात है तो कभी इनके साथ नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं हो कि भोज खाने के बाद इनके अंदर कोई परिवर्तन आने वाला, परिवर्तन तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो घर वापसी की जो भी है छिटपुट घटनाएं भी जो थी वो भी रुक जाएंगी। आरएसएस का और राजेश्वर सिंह का मामला आपको पता है, पहले इन्होंने बोला कि हमें घर वापसी कराना है, बाद में उनको ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी इससे बहुत दुखी हो जाते हैं। जब भी वो घर वापसी या कुछ भी हिंदू से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो उसका, उसके लिए मोदी जी के अंदर भयानक पीड़ा होती है, और इतना पीड़ा होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब सबको उन्हीं को खुश रख रहा है, तो उनको खुश रखने के लिए इस तरह के लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। और आरएसएस जो कर रहा है वो
वही कर रहा है जो बीजेपी की स्ट्रेटजी थी, बीजेपी की रणनीति थी, उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे हैं। पहले वेटिकन गए, अभी हाल में मैंने चर्चा किया, आर्क बिशप मार एंड्रयू से मिले, और उसमें उनकी जो प्रसन्नता थी, कितने प्रसन्न थे। बाकी अन्य जगह तो होते नहीं है, अन्य जगह होते हैं मतलब बहुसंख्यक को छोड़ के हर जगह होते। तो इस तरह से इन लोग रणनीति पर काम कर रहे हैं। अभी आप देखते रहिए, अभी तो हिंदू शायद 10 राज्यों में माइनॉरिटी हुआ है, आने वाले समय में कुछ जगह बच्चा पैदा ना करने की वजह से, और हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक वाले से, और कुछ जगह कन्वर्जन की वजह से माइनॉरिटी में आ जाएगा। और ये जो स्वघोषित संगठन है, जो कि इनके इतने सारे विंग हैं, इतने सारे विंग हैं कि हर विंग का एक दूसरे से विरोधाभास है, लेकिन समस्या किसी को किसी से नहीं है। इन ये मतलब चाहते हैं कि दूसरे को हम सुधारें, लेकिन खुद के अंदर कभी सुधार नहीं होगा। जैसा कि मैं सोशल मीडिया का जिक्र कर रहा था, अभी देखिए 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस, जो भी आईटी सेल के निम्न स्तर के कर्मचारी हैं वो तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे, ऊपर वाले क्रिसमस मनाएंगे, और बड़ी बेशर्मी के साथ कहेंगे कि हमें किसी से कोई समस्या नहीं है। जैसे कि गांधी जयंती के दिन होता है, ये गोडसे जी को याद करते हैं, इनके मालिक गांधी को याद करते हैं, और बोलते हैं ना कि इसी दिन हम लोग अलग हो जाते हैं, बाकी हमें एक दूसरे से कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह का स्ट्रोक चल रहे हैं, जो कि मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है। वो मास्टर जो पहले मास्टर स्ट्रोक था, अब वो प्रिंसिपल स्ट्रोक हो गया है। तो इस तरह से इनका लगातार प्रयोग चल रहा है, और अभी आप देखते रहिए, बहुत सारे प्रयोग होंगे। हालांकि एक चीज को लेकर कुछ लोग सवाल ये कर रहे थे कि अब आरएसएस ने राष्ट्रीय ईसाई मंच भी बना लिया, ये पुरानी खबर है, ईसाई मंच वाली, ये बहुत पहले से इनका प्लान था, और बहुत से ऐसे इनके काम हैं जो अंदर अंदर चल रहे हैं, पता नहीं कब खुलासा होगा, ये कौन जानता, लेकिन होगा तो हम लोग जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इनकी एक एक सच्चाई लोगों तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग कंफ्यूजन के शिकार हो रहे हैं, और जब तक इनकी सच्चाई नहीं जानेंगे तब तक किसी को कोई भला नहीं है। इसके लिए आपको किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकी सच्चाई जानने और लोगों को बताने की जरूरत है। जिस दिन लोग इनकी सच्चाई जान गए, इनके वहम से निकल गए, अब जैसे कि किसी भी जो थोड़ा सा अपने आप को मास्टर स्ट्रोकवादी ईमानदार बताता है कि मैं थोड़ा ईमानदार व्यक्ति हूं, वो ईमानदार क्या करता है, बोलता है कि अच्छा मोदी जी नहीं तो हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा। अरे तो बोलना कि ना मोदी जी बनाएंगे ना कोई और बनाएगा, तुम बराबर की नागरिक बनने की पहले सोच नहीं रहे हो, तुम सीधे राष्ट्र बनाओगे उसकी क्या परिकल्पना होगी, किस तरह का वो हिंदू राष्ट्र होगा। तो इसके ऊपर आईटी सेल के कर्मचारी या जो भी मास्टर स्ट्रोकवादी है कुछ बोलते ही नहीं है। तो पहले लोगों को सोचना चाहिए कि हम बराबर के नागरिक बन जाएं। बराबर का नागरिक बनने का मतलब क्या होता है, एक आशिक पानी पीने गया था, पिलाने गया था, मैं नहीं जानता, उसके लिए पूरा ट्रेंड होता है, मामला पूरा गूंजता है, लेकिन यहां रोज लोगों की हत्या हो रही है, बगल के गांव में चर्चा नहीं होती। तो ये है इकोसिस्टम। जब इक्वालिटी की बात है तो इक्वालिटी सबके लिए होनी चाहिए। तो पहले मास्टर स्ट्रोकवादियों को चाहिए कि लोग पहले बराबर के नागरिक बन जाए, बाद में हिंदू राष्ट्र बना ले। मतलब ऐसे ऐसे कुतर्कों के साथ आते हैं कि वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे तो बताओ कि ना वो करेंगे ना वो करेंगे। और कम से कम एक चीज मैं उसको ठीक मानता हूं, जिसको नहीं करना है वो चुप ही चुप है, उसको ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो झूठ बोलकर लोगों को बरगला रहा है ये घातक है। चलिए बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।